नमस्कार, मैं हूं रूपाली बेरवे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज कार्यक्रम में बात करेंगे डिप्रेशन के जाल में कैसे फंस गए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, कोरोना काल में क्यों बढ़ा डिप्रेशन और सेलिब्रिटी के स्टारडम पर भारी पड़ता डिप्रेशन। बॉलीवुड के माही ने महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी आखिरी फिल्म में सुसाइड के खिलाफ लोगों को संदेश देने वाले सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतनी कम उम्र में मौत को गले लगाने का बड़ा फैसला एक झटके में ही कर डाला। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन ने बॉलीवुड के एक चमकते सितारे को अपनी आगोश में ले लिया। मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी एक्टर सुशांत के सुसाइड के लिए बहुत हद तक समाज और रूपाले पर्दे के स्टारडम को बड़ा कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे समय जब सुशांत को सबसे अधिक सहारे की जरूरत थी, तब सेलिब्रिटी की इमेज आड़े आ गई। हमारा समाज सेलिब्रिटी को खुलकर रोने की इजाजत भी नहीं देता। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी आत्महत्या होती है उसमें लगभग 90% केसेस में ये ऐसा देखा गया है कि मानसिक रोगों का एसोसिएशन होता है। और जैसा कि आप लोग मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पर डिप्रेशन के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पता चला है कि वो इलाज ले रहे थे। अब बात आती है कि कैसे ये क्या हुआ। जब कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है तो उसके मन में जीवन के प्रति निराशा का भाव होता है और वो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जो भी सेलिब्रिटीज़ का अगर हम साइकोलॉजिकल अटॉप्सी करते हैं, अगर हम पूरे तह तक जाएं, तो आप देखिए कि सेलिब्रिटीज़ के साथ में कई बार बहुत प्रेशर होता है। उनका जो स्टार्डम होता है उसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के। हमारा समाज उन्हें रोने की इजाज़त नहीं देता, इसकी वजह से उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी कम होता है। अपनी आखिरी फिल्म छिछोरे में सुसाइड के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाले सुशांत आखिर जिंदगी की ऐसी किस उलझन में उलझ गए थे कि उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, वेब दुनिया। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की असमय मौत ने एक बार फिर कोरोना काल में डिप्रेशन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन के चलते मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत कहते हैं कि आज समाज का बहुत बड़ा हिस्सा मानसिक रोग के चपेट में आ चुका है। लॉकडाउन की वजह से ये बात तो जरूर हुई है कि लगभग 30-40% का राइज हुआ है मेंटल इलनेसेस में। और ऐसा भी हम देख रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी बैलेंस थे उनमें भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया है। पिछले 1.5 महीने में लगभग 15-20 केसेस मैंने भी ऐसे देखे जिनमें लोगों के मन में ऐसे आत्मघाती विचार आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसिक रोगों की चपेट में है और अंडर डिटेक्टेड है, अंडर ट्रीटेड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। इसकी वजह से उसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है। और जैसा कि हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के टैबू है, लोगों को सही समय पर हेल्प नहीं मिल पाती, साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं मिल पाती, परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए कि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपना सपोर्ट सिस्टम बढ़ाएं, क्योंकि लॉकडाउन जैसी कठिन परिस्थितियों में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने उससे जुड़े रहें। और आपको अगर रोना भी आ रहा है तो आप फफक फफक के रोइए, अपने मन की बातें एक्सप्रेस कीजिए अपने रिलेटिव से, अपने दोस्त से, किसी से भी। XYZ कोई नहीं मिल रहा है तो आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, साइकेट्रिक सोशल वर्कर से मिलिए, लेकिन अपने मन की बातें जरूर एक्सप्रेस करिए। और ये घटना बेहद दुखद है और सबसे बड़ी बात है, विडंबना का विषय है कि इसे रोका जा सकता था। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस उम्र में अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया उसमें रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिससे निकलने के लिए व्यक्ति को सबसे अधिक सपोर्ट की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वेब दुनिया। सुशांत सिंह राजपूत का अचानक यूं चले जाना बॉलीवुड के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सुशांत के सुसाइड के बाद अब बॉलीवुड में भी एक नई बहस छिड़ गई है। वेब दुनिया ने जानी मानी फिल्म पत्रकार अतिका अहमद फारूकी से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई इस वक्त बेहद शौक में है, नाराज भी है, उदास भी है, अफसोस में भी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ वेरी ब्राइट बॉय, इंटेलिजेंट, ब्राइट, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, ही न्यू हाउ टू स्ट्राइक अ डील। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था जिंदगी में,
और फ्रॉम अ वेरी सक्सेसफुल करियर इन टेलीविजन टू अ सक्सेसफुल करियर इन फिल्म्स, ही गेव सो मेनी हिट्स, ही केम इन द लीड रोल सो अर्ली इन हिज लाइफ एंड मोस्ट ऑफ देम डिड सो वेल. ही एक्चुअली डिड अ फिल्म छिछोरे जो मेंटल इलनेस के बारे में बात करती है. Of course he knew. He was a very smart boy, intelligent boy, very well-read boy. At the same time, we all know ki hamari industry mein there is cutthroat competition. No amount of success is enough success. Aapko judge kiya jata hai not on the basis of your talent or your contribution, but on the success of your entire project, which is very scary. आपकी लास्ट फिल्म कितनी बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट थी, इससे आपके टैलेंट का, आपके प्राइस का अंदाजा लगाया जाता है, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग. आई थिंक इट नीड्स टू स्टॉप. सुशांत अपनी जिंदगी में किन परेशानियों से गुजर रहे थे ये तो उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली ही बेहतर बता सकते हैं. वी आर नोबडी टू जज इट और टॉक अबाउट इट, बट ये बात तो वो हर इंसान जो इंडस्ट्री में रह रहा है उसको पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. It is never going to be, they're expecting to have friends in this industry. वो ही थोड़ा सा एक ओवर थॉट है क्योंकि यहाँ सब काम करने के लिए आए हुए हैं. And everybody is working very hard. कभी वक्त मिल पाता है किसी के साथ उसकी मुसीबत में खड़ा होने का और कभी वक्त नहीं भी मिल पाता है because everybody you meet is fighting their own battles. But सुशांत का जाना बेहद दर्दनाक बात है, बेहद अफसोसनाक बात है और वो हमें भी कुछ सिखाती है. वी ऑल्सो नीड टू वेक अप एंड अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ मेंटल इलनेस, द इश्यूज ऑफ डिप्रेशन, द इश्यूज दैट द आर्टिस्ट फेस इन दिस इंडस्ट्री. सुशांत वॉज लुकिंग फॉर पीस, ही वॉज क्लियरली नॉट एट पीस एंड वी ऑल आर प्रेइंग फॉर हिम कि वो जहां भी हो, उनकी आत्मा जहां भी हो, उनकी रूह जहां भी हो, उसको शांति मिले, उसको सुकून मिले. दैट्स ऑल दैट दिस वेरी टैलेंटेड बॉय नीडेड सो ऑनेस्टली. ऑल ऑफ अस आर प्रेइंग फॉर सुशांत.